अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जनाब? वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। ओके, तो आज का मेरा मतलब जैसे कि दूसरा व्लॉग विद माय अपार्टमेंट, ठीक है, वो ही दोबारा काम सफाई वगैरह वही हर चीज़, लेकिन आज थोड़ा गंद ज़्यादा है। ठीक है, मेरे दोस्त की रात थी बर्थडे, ठीक है, तो उसको मैंने गिफ्ट शिफ्ट दिए हैं, ठीक है, केक शेक काटे हैं, और ये है मेरी फेवरेट पुतल। भाई शराब शुरू नहीं है, ये शराब शुरू नहीं है, ये हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। है अपना जाने देने मैंने भी नहीं आती। खैर, लेकिन ये है कि ये है लीची की बोतल, ठीक है, तो ये भी पियेंगे हम, ठीक है। सफाई करने वाली फिर दोबारा उतरेगी, उतनी पड़ी है यार, बहुत ज़्यादा पड़ा है काम करने वाला, तो हम वो काम भी करेंगे अपना सारा दोबारा रूटीन वाइज, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना साथ साथ क्या करेंगे, साथ साथ सॉन्ग लगाते हैं, साथ साथ नहीं सॉन्ग क्या करेंगे लगा के, हम साथ करते हैं काम, बस काम काम काम, लेट्स आज जल्दी से फास्ट काम करते हैं, क्योंकि हमने जाना है था यान। आज शाम को हम जाएंगे था यान, जाएंगे वापस अपने सिटी में, ठीक है, अपनी सिटी में जाएंगे आज वापस, क्योंकि थोड़ा सा काम है, घर घर वालों को थोड़ा सामान भेजना है पाकिस्तान, तो दोस्त जा रहा है पाकिस्तान, उसको सामान पकड़ाना है ताकि वो पाकिस्तान ले जाए सामान, ठीक है। तो फिर सफाई शुरू करते हैं दोबारा कल की रूटीन से, लेट्स गो। अच्छा, तो दोस्तों सफाई नहीं देता सर अंजाम, पंजाबी तो यार मुझे आती नहीं, क्यों पंजाबी बोल रहा हूँ, क्यों पंजाबियों की जुबान की ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी ऐसी की तैसी नहीं करते जुबान की, हम क्या करें अब रहेगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सफाई रहती है। बाकी था यान, मैंने तो जाना है, वो सारी बात है आप लोगों को पता है, ठीक है, था यान तो मैंने जाना ही जाना, तो वो अगर मैं जैसे भी गया आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सारा कुछ, कैसे गया कैसे नहीं गया, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। यार रोशनी काफ़ी नहीं हो रही, काफ़ी चुट्टा चुट्टा नहीं नज़र आ रहा, चलो खैर है, आप लोगों को तो पता तो है स्नैपचैट का फिल्टर चलता है। बोतल भी पीते हैं साथ साथ, आप लोगों से बातें करते हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे, एडमिशन ओपन है होने वाले हैं इसके, क्या कहते हैं मार्च इनटेक के, ठीक है, जिसने एडमिशन लेना है आ जाओ जल्दी फ़ौरन चाइना। यार इन्जॉयमेंट है, पैसा लगेगा, इन्जॉयमेंट भी है, डिग्री भी है आपकी, स्टिफन भी है आपके पास, स्कॉलरशिप्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई चौथे मुल्क ही उठ के आइयो, नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अब देखा जाना बहुत महंगा है, वो तो बस हमने एडमिशन ले लिया 2020 की एंड में जाके, तब तो था 20 रुपये का युआन था, 21-22 का मिल रहा था, अब उसका डबल हो चुका है, 41, 42, 43 पीरियड मिलता है, ठीक है, तो हिसाब किताब देख के, ठीक है, अगर कोई मतलब हाँ MS BS की डिग्री पे आए तो स्कॉलरशिप्स हैं यार, स्टीफन है, स्टाइफन सॉरी यार, एक तो इंग्लिश भी अपनी इस तरह की है, ठीक है, इंग्लिश पे गौर नहीं करना, स्कॉलरशिप्स हैं, मंथली जो मिलता है ख़र्चा पानी वो भी है, ट्यूशन और हॉस्टल फ्री है MS BS के लिए, लेकिन जो एडमिशन फीस होती है वो तो आपको पता है हर हाल में देनी होती है, ये नहीं मुझे पता, $2000 भी होती है, $2200 भी होती है, $2300, $1500 भी होती है, इसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कितना लेती है। हमारी बात हो रही थी यही, बाकी यार जितना जो मतलब अफोर्ड कर सके वही ख्वाब सोचे बाहर आने का, वरना जिसने पैसा लगाना है कि भाई हमने कमाना है, कमाने वाले यहाँ पे भी कमा रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे नहीं कमा रहे, कमाने वाले यहाँ पे भी कमा रहे हैं, लेकिन इलीगल है, बाकी लीगली आपने कमाना है तो मूव ऑन ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर भी कुछ दाव लग रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के वीज़े बंद हैं, ठीक है, जो नहीं हो रहा काम अभी, यहाँ पर मोस्टली जो आ रहे हैं ना आवाम, पढ़ने के लिए भी आती है, काम करने के लिए भी आती है, लेकिन अब मोस्टली जो आ रही है बिज़नेस कर रही है, सीधी सी बात है, झूठ नहीं बोल रहा, सामने बैठा हूँ आपके, बिज़नेस कर रही है आवाम, लेकिन आफ्टर कोरोना चाइना की बैंड बज गई है, ठीक है, सारा कुछ डेवलपिंग हो रहा है अगेन, ठीक है, चाइना से मतलब कोरोना से पहले चाइना कुछ और था, बकौल हमारे सीनियर्स का कहना है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कोरोना के दरमियान, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी थे, ऑनलाइन क्लासेस ली हमने 3 साल बैठ के, अभी इस साल ही आए थे हम, पिछले साल वो भी स्टार्टिंग में आए, तो हमने देखा काफ़ी चेंज हुआ है, हमारा सिटी काफ़ी डेवलप हुआ है, थायान की जो बात कर रहे हैं ना हम, तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए ना, तो बाकी
व्लॉग में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि पिछली वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ अपनी। ठीक है, सफाई वगैरह जो करनी है वो बाकी मैं कर लूँगा, आपको नहीं दिखाता। बाकी ये है कि दुआओं में याद रखना, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यार, कीप कमेंटिंग एंड आस्क मी, डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अच्छे अल्फाजों में, बेशक आपको वीडियो अच्छी लगी ना लगी, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। बाकी अल हाफिज़।